स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आज का वीडियो कंप्लीटली होने वाला है इंटरव्यू सेशंस के रिगार्डिंग, क्योंकि आप लोगों से जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या अभी रिसेंटली कोई भी अगर इंटरव्यू देने जाता है तो आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियसली इंटरव्यूज पर ही डिपेंड कर रहे हैं कि इंटरव्यूज अलग अलग कंपनीज के जो इंटरव्यूज हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसी के आधार पर मैं डाटा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बेसिक क्वेश्चन है कि हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए और अपने इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू के दौरान जरूर आंसर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इमेज टेस्ट हो पाती है, इससे जज हो पाती है आपकी इमेज की आपको कितना नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। ये कंप्लीटली इंटरव्यूअर पता करते हैं आपके बारे में। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर में और एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। यहां पर तो इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है इंजीनियर से, कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक इन इंडिया। देखिए स्टैंडर्ड और नॉमिनल साइज को थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं आपको, कि देखिए स्टैंडर्ड साइज मतलब जो एक्चुअल साइज, जो ब्रिक आपके साइट पे पहुंचा है वो साइज आपका क्या है ब्रिक का, अगर IS रिकमेंडेशन के आधार पे उस ब्रिक का साइज है तो वो है 190 mm × 90 mm × 90 mm। अगर वो बात कर रहे हैं हम ये मॉडलर ब्रिक की, यदि नॉन मॉडलर ब्रिक होगी तो नॉन मॉडलर ब्रिक का साइज, जो ओपन भट्टा जो होता है वहां से जो ब्रिक आया है उसका साइज है 230 mm × 110 × 70 mm, कि 230 mm × 110 mm × 70 mm होता है नॉन मॉडलर ब्रिक का, और जो मॉडलर ब्रिक होती है जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड करता है उसका साइज है 190 × 90 × 90 mm। ये जो आप ब्रिक देख पा रहे हैं कि लेंथ में 190 mm, ब्रिथ में 90 mm, और आपका थिकनेस इसका हाइट जो दिया है ये भी आपका 90 mm है। जब इसमें हम मोर्टार ऐड कर देते हैं तब इसका साइज हो जाता है आपका 200 × 100 × 100, क्योंकि एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक के बीच में जो मोर्टार का साइज रहता है वो आपका 10 mm ऐड कर देते हैं, तो वो जो साइज आएगा वो होगा आपका नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। नॉमिनल साइज को आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें मोर्टार ऐड हो गया, और स्टैंडर्ड साइज या एक्चुअल साइज वो होता है जिसमें मोर्टार ऐड नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एडमिक्सचर्स इन कंक्रीट। देखिए एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, कि जैसे हम बात करें कि एडमिक्सचर्स भी एक तरह के केमिकल्स हैं, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि कंक्रीट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सीमेंट सैंड एग्रीगेट की, और सीमेंट भी एक तरह का केमिकल है, लेकिन हम सीमेंट की जगह दूसरे एडमिक्सचर्स को यदि यूज करते हैं जिसके द्वारा हम कंक्रीट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कंक्रीट की जो हार्डन प्रॉपर्टी है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहां पर जो स्ट्रेंथ के साथ या ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग या क्यूरिंग करते टाइम कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिनको हमें ओवरकम करना होता है, वो हम एडमिक्सचर्स द्वारा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एडमिक्सचर्स के ऊपर, किशन ओझा सर ने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर जरूर देखिएगा उसको, कि एडमिक्सचर्स कौन-कौन से एडमिक्सचर्स यूज होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये एडमिक्सचर है जो हम अपने सीमेंट कंक्रीट बनाने टाइम यूज कर रहे हैं, तो इस तरह से एडमिक्सचर्स रहते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज या आर द IS कोड यूज्ड फॉर RCC, RCC के लिए कौन सा या कंक्रीट बनाने के लिए हम कौन सा रिकमेंडेशन फॉलो करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड में। तो सबसे पहले रेनफोर्समेंट या रेनफोर्स्ड कंक्रीट, मतलब RCC के लिए जो आपका स्टैंडर्ड कोड है वो होता है IS कोड 456-2000, लेकिन अगर आप माइल्ड स्टील या मीडियम टेंसाइल स्टील बार यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको IS कोड 432 पार्ट नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, और यदि आप HYHD बार यूज कर रहे हैं तो आपको 1786-2008 में जो कोड आया है IS कोड इसको रीड आउट करना पड़ेगा, और बार की जो बेंडिंग होती है उस बार को फिक्स करना होता है, क्योंकि जब हम RCC की बात करें तो ऑब्वियसली स्टील तो आ गया तो स्टील की तो बेंडिंग भी होगी, तो उसके लिए रिकमेंडेशन होता है आपका IS कोड 2502-1963। और अगर हम बात करें डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, RCC में जो डिटेलिंग है रेनफोर्समेंट की वो हमें रिकमेंड करता है IS कोड 5525-1969 द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है। तो इतने कोड होते हैं आपके RCC के पार्ट के लिए जिसमें आपका अलग अलग डिटेलिंग और बेंडिंग के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहां क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि कैसे वाटर सीमेंट रेशियो एसोसिएट करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे। पहले आप वाटर सीमेंट रेशियो को समझ लो, नाम से समझ में आ रहा है वाटर सीमेंट रेशियो, कि जो वाटर है पानी है वो किसके अनुपात में मिलाया जा रहा है, सीमेंट के अनुपात में मिलाया जा रहा है। अब यहां पर जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 है उसने क्लॉज दिया है हमको, वो क्लॉज क्या है कुछ इस तरह से, अलग अलग कंडीशंस लिए उसने, माइल्ड कंडीशन, मॉडरेट, सेवियर, वेरी सेवियर, एक्सट्रीम कंडीशन। इसमें हमें अलग अलग जो वाटर सीमेंट रेशियो दिए हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन 0.4 लेना, वेरी सेवियर कंडीशन 0.45, सेवियर 0.5, मॉडरेट 0.6, तो ये कंडीशंस हैं और अलग अलग कोड के आधार पे ये वेरी कर रहे हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आया कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.4 से लेके 0.6 वेरी कर रहा है हमारे IS कोड 456 के अकॉर्डिंग, लेकिन
यदि हमें हाई ग्रेड कंक्रीट बनाना होगा, रेशियोज बढ़ाना रहेगा, हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना रहेगा, तो ऑब्वियसली हमें वाटर सीमेंट रेशियो को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। वहां पर हम वाटर सीमेंट रेशियो पानी की जगह प्लास्टिसाइजर्स का यूज कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और कम पानी में भी काम किया जा सकता है। वाटर सीमेंट रेशियो से डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। लेकिन दोस्तों आपका यदि पानी ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वर्केबिलिटी आपको हाई मिलेगी लेकिन स्ट्रेंथ कम मिलेगी। लेकिन यदि आपने एक्सीड कर दिया, वाटर सीमेंट रेशियो को ज्यादा कर दिया, तो वहां पर चांसेस है सेग्रीगेशन के भी होने के। सेग्रीगेशन आगे बताऊंगा किस तरह से सेग्रीगेशन होता है आपका कोर सेग्रीगेट द्वारा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ब्लीडिंग सेग्रीगेशन और हनीकॉम्बिंग। देखिए बेसिक टर्म है जो आपको कॉलेज लाइफ में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हो सकता है हमसे ये छूट जाए, हम उसके आंसर सही से ना कर पाए। एकदम प्यार से समझिएगा। देखिए ब्लीडिंग क्या होता है कि जब आपका सीमेंट और पानी वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाए, टॉप सरफेस पे, और एग्रीगेट नीचे चले जाए, डाउन हो जाए, तो वो होता है आपका ब्लीडिंग। क्यों होता है ये? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल और इम्प्रॉपर प्लेसिंग के कारण होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज में अलग ही हमने प्लेसिंग किया है और यहाँ पर पानी अलग ही हमको बाहर दिख रहा है सरफेस पे, और एग्रीगेट नीचे सेटल डाउन हो गया। तो पानी और सीमेंट जो है बाहर आना, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग, और एग्रीगेट नीचे सेटल डाउन हो गया, तो ये ब्लीडिंग है। नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन देखिए कि क्या है, इट मींस सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट कंक्रीट। मतलब कि जैसे इस इमेज में देख पा रहे हैं आप कि सीमेंट और सैंड में आपका जो एग्रीगेट है वो बाहर आ जा रहा है, मतलब सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम सीमेंट और सैंड, कि आपका सीमेंट और सैंड से एग्रीगेट का अलग अलग हो जाना, सीमेंट भी अलग हो गया, सैंड भी अलग हो गया, एग्रीगेट भी उससे अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड आपका सेग्रीगेशन। तो सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम सीमेंट और सैंड, सीमेंट और सैंड से एग्रीगेट का अलग अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे हनीकॉम्बिंग। तो हनीकॉम्ब क्या होता है कि जब हम फॉर्मवर्क रिमूव करते हैं, देखिए आपको पता है कि कॉन्क्रीटिंग करेंगे तो उसकी शेप देने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? फॉर्मवर्क की जरूरत पड़ती है। फॉर्मवर्क क्या होते हैं? शटरिंग और सेंटरिंग, स्टेजिंग, ये क्या होते हैं? फॉर्मवर्क होते हैं। जब हम फॉर्मवर्क को हटाते हैं तो देखते हैं वहां पे छोटे छोटे होल्स बनते हैं, जैसे इस इमेज में देख पा रहे हैं आप, अलग अलग छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको। ये होल्स का कारण क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छा कॉम्पैक्शन प्रोवाइड नहीं किया, या हमारा शटरिंग की जो प्लेट थी वो साफ नहीं थी। देखिए शटरिंग प्लेट जो है आपकी साफ होनी चाहिए जब आप यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग करवा रहे हैं, उसके कारण से भी ये हनीकॉम्ब्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये हनीकॉम्बिंग, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग आपको यहाँ पे समझ में आया। ब्लीडिंग मतलब पानी का सतह पे आ जाना, पानी और सीमेंट का सतह पे आ जाना, डेट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम सीमेंट और सैंड, डेट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, कि एग्रीगेट का सीमेंट और सैंड से अलग अलग हो जाना, डेट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। और हनीकॉम्बिंग मतलब फॉर्मवर्क हटाने के बाद जो छोटे छोटे होल्स दिखते हैं हमें कॉलम या बीम या स्लैब में, डेट इज कॉल्ड हनीकॉम्बिंग, उसको बोलते हैं हनीकॉम्बिंग। एक अच्छे कॉम्पैक्शन की वजह से ये हनीकॉम्बिंग होता है साइट पर। दोस्तों सिविल गुरुजी ने आप लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स लेकर आए थे, तो सबसे पहले तो मैं उन सभी सिविल इंजीनियर्स को कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के लाइफ टाइम ऑफर के साथ जुड़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों अब केवल लिमिटेड समय ही बचा हुआ है लाइफ टाइम ऑफर का, कि आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में इतनी सारी चीजें दी हुई थी, एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस, बिलिंग इंजीनियरिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, इसके अलावा आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में आपका ऑटो कैड, रेविट आर्किटेक्चर, गूगल स्केचअप, 3ds मैक्स, साथ में दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर में ETF सॉफ्टवेयर और स्टेट प्रो, और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्राइमावेरा और MSP, और साथ के साथ आपको कुछ और बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि जॉब डिटेक्टिव कोर्स, DPR, प्राइस एस्केलेशन, ये सारा पार्ट भी आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराया जा रहा था। ये जो आपका कोर्स है ये 2 साल वैलिडिटी के लिए है, लेकिन सिविल गुरुजी ने कुछ टाइम के लिए आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर ये कोर्स लेकर आए थे लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब आपको एक बार आपने परचेज किया एनरोल हुए कोर्स में और लाइफ टाइम आपके पास ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये केवल लिमिटेड समय के लिए, अब ये समय एकदम खत्म होने वाला है। यदि आप लोग इस 2 साल की जगह आप लाइफ टाइम यदि ऑफर चाहते हैं तो आपको आज ही एनरोल करना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर क्लिक करो, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि आज इतने सारे कॉल्स आने वाले हैं, क्योंकि काउंसलिंग टीम तो सिविल गुरुजी का काफी बड़ा है, लेकिन आप लोगों के कॉलिंग के लिए हमने 9111001234 यूनिवर्सल नंबर, आप इस पे कॉल करो और आप डायरेक्टली किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपको कोर्स में एनरोल होने में, आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 6, कि व्हाट आर द मिनिमम प्रॉपिंग पीरियड ऑफ द बीम एंड स्लैब बैरियर्स स्पान। देखिए कि जो हम प्रॉपिंग क्या होता है, आप इस इमेज में देख पा रहे हैं हमारा स्लैब का फॉर्मवर्क है, और स्लैब के फॉर्मवर्क में यहां पर हमने स्टील के प्रॉप्स प्रोवाइड किए गए हैं जैक के द्वारा।
तो इनको प्रॉप्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पे साइट पर कितने समय बाद इनको रिमूव करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग टाइम भी बोलते हैं इसको। यदि हम स्लैब की बात करें तो स्लैब में हम 3 दिन बाद यहाँ पे अपने प्रॉप्स को खुलवा सकते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। कुछ डिफरेंट कंडीशन है तो डिफरेंट डिफरेंट ये टाइम बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें कि साइड ऑफ बीम जो होती है, बीम के साइड से फॉर्मवर्क को 24 घंटे बाद आप रिमूव करवा सकते हैं। यदि कोई वर्टिकल मेंबर है तो वहां पर आप 24 से 48 घंटे के बीच में रिमूव करवा सकते हैं। इंजीनियर इंचार्ज की परमिशन होनी चाहिए, डिसाइड कर देना चाहिए उसको टाइमिंग। अब यहाँ पे वर्टिकल मेंबर मतलब कॉलम या RCC वॉल या आपके जो है वर्टिकल मेंबर्स होते हैं। अब देखो दोस्तों, बीम है, सोफिट है, तो वहां पे आपको 7 डेज का टाइम लेना चाहिए। और अगर हम बात करें प्रॉप्स टू स्लैब स्पानिंग 4.5 मीटर है, अगर प्रॉप से स्लैब की जो स्पानिंग है वो 4.5 मीटर है, तो वहां पे आप 7 डेज के अंदर रिमूव करा सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर स्पानिंग 4.5 मीटर से ज्यादा हो गया तब आपको 14 दिन का समय लेना चाहिए। यदि हम बात करें रिमूवल ऑफ प्रॉप्स टू बीम और आर्चेस की स्पानिंग 6 मीटर की है यदि, तो 14 दिन का समय लेना चाहिए। और यदि आपकी स्पैनिंग जो है 6 मीटर से ज्यादा है तो वहां पर आपको 21 दिन का समय लेना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए इसी एटीट्यूड से आंसर दीजिए, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर समझा पा रहा हूँ और यहाँ पर ये जो डिटेल से लिखा हुआ है इसी एटीट्यूड से आपको आंसर देना चाहिए अपने इंटरव्यू के टाइम पर। और दोस्तों ये जो PDF फाइल है ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इन्हीं PDF फाइल से अलग अलग वीडियोज हैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो एंड होने के बाद जरूर जाकर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और ये डायरेक्टली आप डाउनलोड करना, उसको रीड आउट जरूर करना है आप, ये जो मैं PDF आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब आता है कि 7th क्वेश्चन की व्हाट इज द प्लिंथ लेवल और सील लेवल। क्या होता है भाई प्लिंथ लेवल और सील लेवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए प्लिंथ लेवल और सील लेवल को यहाँ पे आप इमेज से समझिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर में ये हमारे पास फुटिंग्स है, नीचे फाउंडेशन का पार्ट है, फाउंडेशन के बाद ये बीम वगैरह है हमारा, और जहां से हमारा ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, देखिए नेचुरल ग्राउंड लेवल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से बिलो द स्ट्रक्चर गए हम, नीचे गए हम ग्राउंड बिलो द ग्राउंड। अब देखिए यहां पर हमने एंट्रेंस स्टेप से अंदर चढ़े, जहां पर ये फ्लोरिंग हुई है, मतलब समझे ग्राउंड लेवल के जो फ्लोरिंग वाला पार्ट है, जहां से वो स्टार्ट हुआ है, फ्लोर PCC वाला पार्ट है, वो है आपका प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल को ऐसे समझिए जैसे कोई प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो नीचे तो ट्रैक होते हैं वो तो ग्राउंड पे है, लेकिन आप जो खड़े होते हो वो किस पे खड़े होते हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, जो प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल, वो है आपका प्लिंथ लेवल। सेम आपके घर का जो ग्राउंड फ्लोर जहां से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लिंथ लेवल, इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। और विंडो का जो बॉटम पोर्शन होता है इसको बोलते हैं सील लेवल, और विंडो का जो टॉप पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लिंटल लेवल, लिंटल लेवल। देखिए विंडो का टॉप पोर्शन या डोर का टॉप पोर्शन एक ही लेवल पे है, दैट इज कॉल्ड लिंटल, और विंडो का जो बॉटम पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सील लेवल। तो यहां पे ये प्लिंथ लेवल और सील लेवल, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Fe 415 के बारे में आपने सुना होगा। Fe 415 आपने, मैं इसको एक बार दिखा देता हूं आपको, ये जो बार देख पा रहे हैं ये आपका ज्ञान TMT के द्वारा बनाया गया है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो बार है ये Fe 415 ग्रेड की है। अब देखिए Fe 415 दैट इज द ग्रेड। अब यहां पर Fe मतलब हो गया आयरन, 415 क्या है, 415 मतलब उसकी टेंसाइल या इल्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पर जो Fe 415 बार आई हमारी ये होती है H/HD बार, H/ मतलब हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, इन्हें डिफॉर्म्ड किया जाता है, डिफॉर्म करने यहाँ पे रिप्स, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिप्स। अब ये क्या करेगा, हमारे कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग करता है, इसलिए वहां पे हम H/HD बार यूज करते हैं, जो हमें हाई स्ट्रेंथ क्या करता है प्रोवाइड करता है, इसलिए H/HD बार को रिकमेंड किया जाता है आजकल साइट पर। माइल्ड स्टील बार बहुत ही कम चांसेस आपको देखने को मिले, और मात्र अगर देखने को भी मिलेगा वो भी आपको स्टीरअप्स के केस में मिल सकता है, लेकिन स्टीरअप के केस में भी मैक्सिमम साइट पर आज भी यूज कर रहे हैं H/HD बार। तो आज आप लोग भी H/HD बार स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करता है और इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, आप यूज कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर कि 9th क्वेश्चन की व्हाट आर द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट फॉर डिफरेंट कंक्रीट मिक्स। दोस्तों एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये तो आपको बताना ही चाहिए। और मैं बेसिकली इंटरव्यू में देखता हूँ यार, इंजीनियर्स आते हैं उनसे पूछते हैं M20 का रेशियो बताओ, 1, 2, 4 ऐसे बताएंगे उल्टा सीधा रेशियो, मतलब ये लेवल जो है ना इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इसलिए ही लेकर आया हूं कि आप लोगों का लेवल इंक्रीज हो सके। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो इनके कारण आप रिजेक्ट ना हो। अब यहां पर समझते हैं कि यदि M5 रहेगा तो रेशो रहेगा 1:5:10 का रेशो रहेगा। देखिए इस रेशो को याद कर लो, M5 मतलब बीच में 5 आ रहा है, 5 का डबल कितना होता है 10 होता है, तो 1:5:10 आपको याद हो गया। M 7.5, अब देखो यहां पर जो आपके नॉमिनल मिक्स होते हैं वो आपके M 25 तक होते हैं, नॉमिनल मिक्स में जो पहले जो प्री डिफाइंड है आपको, और जो डिजाइन मिक्स होते हैं जो आपको एज पर साइट कंडीशन डिजाइन करने रहते हैं, तो आपके M 25 तक डिजाइन है, M 30 से जो स्टार्ट होते हैं वो डिजाइन मिक्स से स्टार्ट होते हैं। आप एक नंबर याद करो 30,
30 याद करा आपने। अब देखिए आपने देखा जो फर्स्ट पार्ट है वो है सीमेंट, सेकंड पार्ट है वो है आपका फाइन एग्रीगेट या सैंड बोल सकते हैं, और जो थर्ड पार्ट है आपका यहाँ पर वो है आपका कोर्स एग्रीगेट या यहाँ पे एग्रीगेट हम बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि 30 को हम लॉक कर देते हैं और यहाँ पर सीमेंट तो फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि ये 7.5 है, 7.5, तो 7.5 का आपको रेशियो पूछा गया, तो पहले सीमेंट तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये 4 कैसे आया? देखो 30 डिवाइड बाय आप मतलब याद करने का तरीका ये आया है ऐसे नहीं, 30 को मतलब मैंने एक लॉक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि 30 मतलब 7.5 से आप 30 को डिवाइड कर दो कितना आंसर आएगा आपका, 4 आंसर आएगा। तो 4 हमने लिख दिया, 4 का डबल क्या हो गया आपका 8 हो गया, तो 1:4:8 हम याद कर सकते हैं। सेम आप यहाँ पे 10 से 30 को डिवाइड कर दो कितना आंसर आएगा 3, तो यहाँ पे 3 आ गया फाइनल एग्रीगेट में, 3 का डबल 6। सेम 15 से आप डिवाइड कर दो, 15 से किसको डिवाइड करना है आपको 30 को, आंसर कितना आएगा 2, तो 1:2:4, 2 का डबल 4। सेम 20 से आप 30 को डिवाइड कर दो आंसर आएगा 1.5, तो 1:1.5:3, और M25 का आपको याद करना है 112, ये आपका होता है M25 का। तो एकदम ईजी था, हमने 30 को रेफरेंस मानते हुए जो भी रेशियो से पूछा जा रहा है उससे हम डिवाइड करते हुए, लेकिन दोस्तों आपको ओरली याद होना चाहिए सारे रेशियोज। अब दोस्तों M30 और M40 का जो डिजाइन मिक्स होता है ये होता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 10262 पार्ट, जो कि 2009 में क्या हुआ है पब्लिश हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन मिक्स करते हैं। ये बाकी जो रेशियोज हैं इनको भी हम डिजाइन मिक्स करते हैं एज पर साइड कंडीशन, लेकिन ये नॉमिनल मिक्स हैं जो आपको पहले से प्री डिफाइन करके बताया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि होता है कि डिफाइन बकलिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। देखिए बकलिंग मतलब क्या है, एक तरह का फेलर है ये, कि जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है वो एक तरफ साइड वे हो गया है, मतलब सडन उसमें साइड वे मतलब वो थोड़ा मुड़ चुका है, बैंड हो चुकी है उसमें जो है, क्यों? क्योंकि उसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हुआ, जिसकी वजह से हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, जो फेलर पॉइंट है वो कम हो गया, किससे? आपके अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से। अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब लास्ट पॉइंट जो होता है हमारा, उससे जो है कम है हमारा फेलर। तो वहां पर क्या हो गया, यहां पर जो आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है वो इस तरह एल डिस्टेंस पे मौजूद है, लेकिन उसमें जब लोड एक्ट हुआ ऊपर से तो यहां पर वो बैंड हो गया, मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं बकलिंग होना। अगर इसको साइड के टर्म्स में आप समझेंगे तो अगर आपका ये कॉलम है ये इस तरह से बैंड हुआ है बीच में से, तो दैट इज कॉल्ड बकलिंग ऑफ स्टील कॉलम, या यहां पर आप देख रहे हैं साइड प्रैक्टिस, तो ये बकल होना बोलते हैं इस कॉलम को। ये हमारा क्या है, हमें वार्निंग प्रोवाइड करता है। आप पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं ही पूछ लेता हूं, कि हम कंक्रीट मेंबर में स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं, यदि हम बात करें स्टील ना प्रोवाइड करके केवल हम यहां पर जो है कंक्रीट ही प्रोवाइड कर दें, यहां पे स्टील ना दें, क्यों? क्योंकि स्टील इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए यहां पर ये कॉलम जरूर बकल हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्ट्रक्चर गिरा नहीं है, और जो स्ट्रक्चर में रहने वाले पीपल हैं वो भी अभी सेफ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल स्टील बार नहीं होती यहां पर, तो क्या होता है, यहां पे सडन फेलर होता है। सडन फेलर 90 डिग्री एंगल पे होता है, सीधे यहां पे कॉलम हमारा धड़ाम होता और ऊपर से स्ट्रक्चर नीचे, और जो रहने वाले जो पीपल थे उन्हें बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता। यही कारण है कि स्ट्रक्चर मेंबर्स में आप स्टील यूज करते हैं, स्टील काम करता है, जैसे आपके शरीर के अंदर बोन्स काम करती है, सेम आपके स्ट्रक्चर मेंबर्स में आपका स्टील काम करता है, एक्ट करता है एज अ बोन। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक के बारे में।